विश यू अ ग्रैंड चिल्ड्रन डे ऑल द स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं MSLE एंड यू आर वाचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फिर से डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, और ये फ्रेजेस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और हमारे डे टू डे लाइफ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन, आज की ये वीडियो, और आज की इस वीडियो में आप 10 फ्रेजेस जानने वाले हो जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लैंग्वेजेस में इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को और भी सुंदर बना सकते हैं, और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और उनमें चार चांद लगा सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो में ये 10 के 10 फ्रेजेस आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला फ्रेज, स्वीट टेम्पर्ड। स्वीट टेम्पर्ड का मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे नेचर का हो, अच्छे करेक्टर का हो, आप उसे अंग्रेजी में स्वीट टेम्पर्ड कह सकते हो। जैसे कि मेरे भैया एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो माई ब्रदर इज़ ए स्वीट टेम्पर्ड मैन, या माई ब्रदर इज़ ए स्वीट टेम्पर्ड पर्सन। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। नंबर टू, वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मतलब होता है अच्छे व्यवहार वाला, यानी वैसा व्यक्ति जिसके दूसरों के साथ, अदर्स लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो, हर जगह पर उसकी तारीफें की जाती हो, प्रशंसा किया जाता हो उसके बिहेवियर का, वैसे बंदे को, वैसे व्यक्ति को हम वेल बिहेव्ड कहते हैं। जैसे कि मान के चलो एक उत्तर लेते हैं कि आपके पिताजी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो इसको हम बनाएंगे योर फादर इज़ अ वेल बिहेव्ड पर्सन, योर फादर इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन, इस प्रकार से कह सकते हैं। नंबर थ्री, वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड का मतलब होता है अच्छा शिक्षित, अच्छे तरीके से जो शिक्षित हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हों वही अच्छे तरीके से शिक्षित है, बल्कि अच्छे तरह से शिक्षित वो कहलाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, जिसके पास भरपूर मात्रा में नॉलेज हो, उसे हम वेल एजुकेटेड कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम सब बना सकते हैं कि महात्मा गांधी एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, या फिर आप कह सकते हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन या मैन। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नंबर फोर, वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। आप इस पर भी सेंटेंस रख सकते हो, जैसे कि भगत सिंह एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप कह सकते हो भगत सिंह वॉज अ वेल नोन फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह वॉज अ वेल नोन फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड का मतलब होता है अच्छा बर्ताव करने वाला, जो किसी के भी साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा आचरण करे, वैसे व्यक्ति को हम अंग्रेजी में फ्रेज के रूप में कहते हैं वेल मैनर्ड। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा दोस्त अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है, या अच्छा बर्ताव करने वाला व्यक्ति है, तो मैं बोलूँगा कि माई फ्रेंड इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन, माई फ्रेंड इज़ अ वेल मैनर्ड बॉय, वेल मैनर्ड पर्सन, वेल मैनर्ड मैन, यानी इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नंबर सिक्स, ब्रोकन हार्टेड। ब्रोकन हार्टेड का मतलब होता है जिसका दिल टूटा हो, यानी किसी ना किसी तरीके से, सिर्फ ये इश्क मोहब्बत और प्यार वार में ही नहीं, बल्कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का दिल टूटा हो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए हम फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे ब्रोकन हार्टेड। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा दोस्त जो है उसका दिल टूटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि योर फ्रेंड इज़ अ ब्रोकन हार्टेड फेलो, योर फ्रेंड इज़ अ ब्रोकन हार्टेड फेलो, या योर फ्रेंड इज़ अ ब्रोकन हार्टेड मैन, या योर फ्रेंड इज़ अ ब्रोकन हार्टेड बॉय, या फिर योर फ्रेंड इज़ अ ब्रोकन हार्टेड लवर, यानी किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हो ब्रोकन हार्टेड का इस्तेमाल करके, यानी वैसा व्यक्ति जिसका दिल टूटा हो। नंबर सेवन, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड से आपको चिकन याद आया होगा, लेकिन चिकन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज है ना, अभी उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर उस चिकन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डरपोक व्यक्ति की, यानी फट्टू व्यक्ति की, जिसको हम टपोरी लैंग्वेज में बोलते हैं फट्टू। फट्टू बोले तो डरपोक, यानी जो बहुत ज़्यादा डरता हो, उसको हम अंग्रेज़ी में फ्रेज के रूप में कहते हैं चिकन हार्टेड। जैसे कि मैं कहूँगा कि तुम्हारा दोस्त एक डरपोक लड़का है, तो मैं कहूँगा योर फ्रेंड इज़ अ चिकन हार्टेड बॉय, या फिर तुम्हारे पिताजी एक डरपोक व्यक्ति हैं, तो मैं कह सकता हूँ योर फादर इज़ अ चिकन हार्टेड मैन या फिर पर्सन। तो आपने देखा चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक या फट्टू व्यक्ति या इंसान। नंबर एट, हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल दहला देने वाला, कोई भी चैनल दिल को दहला दे,
कोई भी सॉन्ग दिल को दहला दे, कोई भी कविताएं, कोई भी शायरी, कोई भी भाषण जो आपके दिल को दहला दे, आपको अंदर से बड़ी खुशी हो, आपका दिल बाग बाग हो जाए, वैसी सिचुएशन में आप इस फ्रेज का यूज़ करना, हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल को दहला देने वाला। जैसे कि मुझे कहना हो कि मैंने एक कविता सुनी, है ना, मैंने एक दिल दहला देने वाली कविता सुनी, तो मैं कहूँगा आई हर्ड अ हार्ट रेंडिंग पोएम। या फिर मैं इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि उसने एक दिल दहला देने वाला गाना सुना, तो ही लिसन्ड ए हार्ट रेंडिंग म्यूज़िक या हार्ट रेंडिंग सॉन्ग। इस प्रकार से हार्ट रेंडिंग कुछ भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, अभिनय यानी एक्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हार्ट रेंडिंग, जो हमारे दिल को छू जाए, जो हमारे दिल को खुश कर दे। नंबर 9, हेयर रेजिंग। हेयर रेजिंग का मतलब होता है रोंगटे खड़ा कर देने वाला, यानी जिसे सुनकर ही अंदर भयभीत होने लगे, अंदर ही अंदर डर लगने लगे, अंदर ही अंदर आशंका मतलब क्रिएट होने लगे, वैसी सिचुएशन में हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं हेयर रेजिंग। जैसे कि यह रोंगटे खड़ा कर देने वाली समाचार है, तो बोलेंगे दिस इज़ अ हेयर रेजिंग न्यूज़। या फिर यह रोंगटे खड़ा कर देने वाली सूचना है, तो दिस इज़ अ हेयर रेजिंग इन्फॉर्मेशन। यह रोंगटे खड़ा कर देने वाली फिल्म है, तो दिस इज़ अ हेयर रेजिंग मूवी। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हो। आज का जो हमारा लास्ट फ्रेज है वो है माइंड ब्लोइंग। आपने सिनेमाओं में, फिल्मों में, पिक्चरों में, बहुत सारे सिचुएशंस में आपने इस वर्ड को सुना होगा माइंड ब्लोइंग का। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, जो हमें फ्लैट कर दे, जो हमें सरप्राइज कर दे, जिसे देख करके, कहने का मतलब है हम आश्चर्यजनक तरीके से कुछ बिहेव करने लगें, या फिर मन को शॉक्ड कर दे, है ना, हैरान हो जाएं हम, वैसी चीज़ों के लिए आप माइंड ब्लोइंग का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप कह सकते हो माइंड ब्लोइंग। लोग बात ही बात में माइंड ब्लोइंग का इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी बात पसंद आ गई या कोई आश्चर्यजनक बात बोल दी गई, वहाँ पर लोग कहते हैं माइंड ब्लोइंग, अरे यार माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग, योर थॉट इज़ माइंड ब्लोइंग। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हम माइंड ब्लोइंग को लेकर के बना देते हैं। और माइंड ब्लोइंग का मतलब दूसरा जो अर्थ है इसका, वो शानदार भी होता है। अगर किसी चीज़ को शानदार कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शानदार है, यानी माइंड ब्लोइंग है। मान लो किसी संगीत, किसी गीत को ही ले लिया जाए कि यह गाना शानदार है, तो कह सकते हो दिस सॉन्ग इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस सॉन्ग इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस म्यूज़िक इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस प्ले इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस ड्रामा इज़ माइंड ब्लोइंग। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सूटेबल माने जा सकते हैं, अच्छे रोल निभा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को सिर्फ आप तो जान लिए, लेकिन सिर्फ आप ही मत जानो, अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने भाई बहनों को भी बताओ, और जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके स्कूलमेट्स हैं, रूममेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब तक ये वर्ड्स पहुंचाओ कि ये वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी इसकी तारीफ करूं कम पड़ जाएंगी, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और इनकी ज़रूरत हमें अपनी भाषाओं में चार चांद लगाने के लिए पड़ सकती है या अक्सर पड़ती रहती है। तो आप अपनी भाषा को और भी सुंदर बना सकते हो, और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, और भी चार चांद नहीं 8-10 चांद लगा सकते हो उसमें, अगर इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में करते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं चिलंडे के बारे में कुछ बात करने वाला था। तो वैसे चिलंडे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ क्या कहना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था इस दिन, और उनकी, है ना, ये जो कहने का मतलब है जन्मदिन है ना, उनकी खुशी में, उनके जन्मदिन के अवसर पे ही हम लोग बाल दिवस मनाया करते हैं, जिसको इंग्लिश में चिल्ड्रन डे कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में भी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, पूरे विश्व में भी बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, वो 1 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व के लोग बाल दिवस मनाते हैं, पूरे विश्व के लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, लेकिन वो 1 जून को मनाते हैं, जबकि हम भारतीय, हम इंडियन 14 नवंबर को मनाया करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी बातें हैं चिल्ड्रन डे को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा या नहीं शेयर कर पाऊँगा। बट इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, है ना, लाइक सब्सक्राइब करना या ना करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका दिन एन्जॉयफुल हो, एंटरटेनमेंट से भरा पड़ा हो, एंड यू ऑल द स्टूडेंट माइंड द स्टडी एंड ट्राई टू गेट सक्सेस। एनी हाउ,
एट एनी रेट एट एनी कॉस्ट।